सहरघाट थाना क्षेत्र के पिहबारा पंचायत में तीन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना करहुआ गोट के अशोक साहब, बैंगरा के अशोक ठाकुर और अशोक कुमार के घर में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बैंगरा में आंशिक चोरी की गई है, जबकि करहुआ गोट में अधिक चोरी हुई है। चोर घर में घुसकर पहले पेटी बक्सा को बगल के खेत में ले जाकर उसमें रखा सारा सामान को चोरी कर खाली बक्सा और पेटी को छोड़ दिया। वहीं करहुआ गोट के गृहस्वामी की पत्नी प्रमिला देवी ने कहा कि पेटी बक्सा में रखा सोना व चांदी का आभूषण एवं 1 लाख नगद रुपए की चोरी कर ली गई है। महिला का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण वो घर पर नहीं थी। बूढ़ी सास घर में थी, जो चोरी की घटना को नहीं समझ सकी। इस संबंध में थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है, जल्द उद्भेदन कर चोरों को पकड़ लिया जाएगा। चोरबा सब सौंसे खोसी मान दे, जे हमरा बच जाए तो हम एगो डोरा खोसी चढ़ा। हम अपन प्रसादियो मान के नहीं चढ़बे छिए। देखियो ने कौन बाजार छले लगाने सब मोबाइल में। तीन घर में राय चोरी भेल, तीनों अशोक, एकटा अशोक साहब आ बैंगरा में दूटा अशोक ठाकुर। लेकिन वहाँ फंस गया है तो पर एक बात बताइए कि कुछ मतलब क्या पता चला, मतलब जो रात में आप कुछ जानकारी मिली है? कुछ ना, कोई जानकारी नहीं। कहाँ आप लोग सोए हुए थे? घर में कि कहाँ सोते हैं? वन में। ये सुतल था कि ना गाय घर में, हम सुतल से घर में। वही, वही। दो घर, इतने दो घर घर में। अच्छा। जगन मैया के बात ही है। अब कथिए के करबे यहाँ से कह पहले घटना है ना, हम थाना में एंट्री नहीं करबे। अब लगल तो फिर ऊपर लगभग कते मतलब चोरी भेल? छोड़ल जाओ नहीं, लगभग 5 लाख के अहाँ 5 लाख देव? बोलू अहाँ, हम जब जवाब पूछे जवाब दे, मीडिया लगे बताइए। सुबह में लोग जागा है, बाहर भीतर के लिए निकला है, तब देखा कि ऐसे पेटी से फेंका हुआ है, तब शोरगुल हुआ है, तो लोग देखा कि यहाँ ताला टूटा हुआ है, तो सब लोग मिलके वहाँ से बक्सा लाके आंगन में रखा है। जानकारी कैसे प्राप्त हुई थी जो आपको? मोबाइल से, फोन के द्वारा सूचना मिला है, तो हम लोग आए हैं यहाँ। अच्छा, इसके अलावा बैंगरा में भी चोरी? हाँ, बैंगरा में भी अशोक ठाकुर के घर में चोरी हुई है। लगभग वहाँ कितने की चोरी होगी? 50,000 के लगभग होगा। वहाँ भी मतलब घर में जो महिला सोई थी, उस घर में ही घुस के बक्सा निकाल के गाछी में ले गया है, सारा सामान उसमें से निकाल के, कपड़ा नहीं ले गया, केवल जेवर पैसा वगैरह जो था वही सब चोरी किया है। अच्छा, तो कुल कितने घरों में चोरी हुई? तीन घरों में, दो बैंगरा में और एक बैंगरा, एक करवा गोट में। यहाँ अशोक साहब है, अगर वहाँ बैंगरा में अशोक ठाकुर है। अच्छा, ठंडी को लेकर के लगातार चोरी की घटना में इजाफा हो रहा है, तो क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन से? इसमें सजग रहने की जरूरत है, गश्ती होना चाहिए था और थोड़ा इस पर एक्टिव होना है, क्या कि इसी समय में आके घटना होता है बार बार, तो इसको थोड़ा गश्ती करेंगे आप, चल कदमी रखेंगे तो शायद कम हो सकता है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।